चार वर्षों के अथक परिश्रम और कई उतार चढ़ाव के बाद चंद्रयान 3 चांद पर परचम फहराने के लिए तैयार है। यह हिंदुस्तान का तीसरा और सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन है, जिसे कुछ ही दिनों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग से पहले आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस समय की ओर जब हम पहली बार चांद पर जाने को तैयार थे और मौसम भी हमारी परीक्षा लेने पर उतारू था। घड़ी की हर टिक टिक हमारी धड़कनें बढ़ा रही थी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 22 अक्टूबर 2008 सुबह का वक्त था। चारों तरफ बारिश और तूफान की थपेड़ों के बीच श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पर चंद्रयान 1 आसमान की ओर सिर उठाए खड़ा था। ये भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन था, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को ना जाने कितने महीने या सच कहें तो सालों रात दिन का पता ही नहीं चला। सुबह के 6:22 पर ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट अंधेरे आसमान को भेदता हुआ निकल गया और कुछ ही समय में चंद्रयान 1 को आरंभिक कक्षा में स्थापित कर दिया। कक्षा में स्थापित होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने कई साल के कड़े परिश्रम, अनगिनत असफलताओं और कभी न खत्म होने वाले संघर्षों के बाद वो मुकाम हासिल कर ही लिया, जिसका इंतजार हिंदुस्तान पिछले 45 सालों से कर रहा था। इस प्रयोग के तहत एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। ऑर्बिटर को चांद की कक्षा पर रहना था और इम्पैक्टर को चांद की सतह से टकराना था। इम्पैक्टर की कल्पना पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने की थी। चंद्रयान 1 के तहत चांद पर भेजा गया इम्पैक्टर शोधयान 14 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के दक्षिणी ध्रुव से टकराया। इस डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। यह पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि चट्टानों की सतह के भीतर मौजूद है। यह इतनी बड़ी खोज थी कि नासा ने भी पहले ही प्रयास में यह खोज करने के लिए भारत की पीठ थपथपाई। इस मिशन का कार्यकाल 2 साल का था, लेकिन लॉन्च के 9 महीने बाद इसके सेंसर्स में सूर्य की अत्यधिक रेडिएशन की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही चंद्रयान ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया और 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूट जाने की वजह से इस मिशन को बंद कर दिया गया। हालांकि 90% से अधिक लक्ष्य पूरा किया जा चुका था। इसके बाद इसरो ने अगस्त 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। इसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 2 की सबसे खास बात यह थी कि यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष मिशन था। साथ ही यह पहला भारतीय मिशन था जो घरेलू तकनीकी के साथ बनाया गया था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में स्थापित होने के बाद विक्रम लैंडर को चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब के विपरीत धीरे धीरे नीचे उतरना था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तभी विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और हिंदुस्तान इतिहास रचने से महज 2.1 किलोमीटर या यूं कहें कि 2 कदम दूर रह गया। विक्रम लैंडर से भले ही निराशा मिली, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है और यह चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से ज़्यादा आधुनिक और साइंटिफिक उपकरणों से लैस है। वैसे तो पूरा विश्व मंगलयान के बाद ही हमारी क्षमताओं को समझ गया था। अब हमें फिर पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करके एक अध्याय और जोड़ देगा और बताएगा कि जब दुनिया के विकसित देश वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब सबसे पुरानी संस्कृति और विविधताओं वाला यह देश एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहा है। आइए आप और हम इस गर्व भरे पल का गवाह बनकर अपने वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को नमन करें।